हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, तो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैग्रांजे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के बारे में, जिसमें अभी तक हमने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था किस प्रकार से हमने आपको फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया था, साथ में आपको बताया था किस प्रकार से हम फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, किसे हम यहाँ पर डिग्री किस प्रकार से निकाली जाती है, किसे हम लीनियर और किसे हम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात कर रहे हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसमें हम स्पेशली आज का टॉपिक जो है वो लैग्रांजे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। आइए समझते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लैग्रांजे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इस पर अगर आप देखेंगे, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव पी एंड क्यू ओनली इज कॉल्ड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि P और Q अगर इन्वॉल्व होता है तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि इफ P एंड Q बोथ अकर इन द फर्स्ट डिग्री ओनली एंड आर नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर, दोनों की पावर वन होना चाहिए और ना ही वो दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में हमारे पास आना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन है तभी वो लैग्रांजे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कही जाएगी। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। पहले वाले एग्जाम्पल में देखेंगे px plus qy equal to 4z, जिसमें आप देखेंगे कि p की पावर 1 और q की पावर 1 है, तो ऐसे कंडीशन में दिस इज अ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो px square plus qy equal to z square है, यहां पर भी p की पावर 1 और q। थर्ड एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं तो py minus qx equal to y square, qx equal to y square minus x square, यहां पर भी p और q की पावर 1 है। कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, किसे मैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैटेगरी में रखना चाहता हूं। अगर मान लो अगर हमारे पास यही क्वेश्चन अगर मेरे पास अगर ऐसा होता कि p into q equal to z, तो ये आपका लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यहां पर हमारे पास की जो डिग्री जो है वो 2 है। क्यों? क्योंकि 1 और 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि if p and q both occur in the first degree only and are not multiplied together, दोनों multiplied के form में नहीं आना चाहिए। तो I hope आपको समझ में आ गया होगा कि what is the meaning of the linear partial differential equation। अब मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि किसे हम Lagrange linear partial differential equation कहते हैं। तो आप देखेंगे कि the standard form of the Lagrange linear partial differential equation is pp plus qq equal to r। कहने का मतलब मेरे पास ये है, यहाँ पर जो capital P जो है small p का coefficient है and capital Q जो है वो small q का coefficient है, यानी कि हमारे पास ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये लिखाएगा this is p, this is the del z upon of del x plus q, this is q, del z upon del y equal to capital R। ओके तो अब यहां पर p का मतलब क्या है? डेल z अपॉन डेल x, स्मॉल p का स्मॉल q का मतलब क्या है? डेल z अपॉन डेल y। ऑब्वियसली कैपिटल p, कैपिटल q एंड कैपिटल r जो है वो फंक्शन होंगे, हमारे पास फंक्शन कहलाएंगे x y z के, या सिंपली द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के। अब हम ये समझते हैं कि जब भी अगर हमें लैग्रांजे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हमें सिंपलीफाई करना है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, किस प्रकार से इसके ऑर्डर को हम डिफाइन करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि व्हाट इज अ वर्किंग रूल। जो भी हमारे पास लैग्रांजे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले उसको इस फॉर्म में हम लिख लेंगे। लिखने के बाद हम यहां पर कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यू को इवैल्यूएट करेंगे और उसके बाद उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में आएगी हमारे पास क्या कहलाएगा, दिस इज dx अपॉन p, dy अपॉन q और dz अपॉन r। यहां पर आप देख सकते हैं कि x, y जो है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जितने हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उतने हमें यहां पर रिलेशन निकालने होते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास, मान लीजिए अगर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और y, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर हम केवल दो ही रिलेशन निकालेंगे जिसका हम u इक्वल टू c1 और v इक्वल टू c2 नाम देंगे।
जहां पर सी वन और सी टू जो है आर्बिटरी कॉन्स्टेंट होते हैं। अब सवाल ये होता है कि जो भी हम यहाँ पर रिलेशन निकालते हैं, और रिलेशन किस प्रकार से निकालते हैं, रिलेशन निकालने के लिए हम यहाँ पर कुछ मेथड यूज करेंगे। पहला हमारा कहलाएगा वेरिएबल सेपरेटर फॉर्म, सेकंड हमारा कहलाएगा ग्रुपिंग मेथड, और थर्ड हमारे पास कहलाएगा मल्टीप्लायर या बोथ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि हमारे पास कौन कौन से मेथड होगा, या पहला मेथड हमारे पास क्या है, दिस इज अ वेरिएबल सेपरेटर फॉर्म, वेरिएबल की फॉर्म से निकालते हैं। वेरिएबल सेपरेटर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हमारे पास वेरिएबल जो होते हैं सेपरेट हो जाते हैं। दूसरा हमारा होगा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से निकालेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग हमारे पास क्या होता है कि एक रिलेशन को हम दूसरे रिलेशन के अंदर यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, और तीसरा हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लायर मेथड की हेल्प से भी हम यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहां पर मैं आपको वन बाय वन यहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम यहां पर वेरिएबल सेपरेटर फॉर्म, सब्स्टिट्यूशन फॉर्म और मल्टीप्लायर मेथड यूज करते हैं। अब जब हमारे पास जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल उतने अगर हमने यहां पर रिलेशन निकाल ली, तो उसके बाद हम यहां पर इसका हम जनरल सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करेंगे, जो कि जनरल सॉल्यूशन लिखाएगा फाई ऑफ यू वी इक्वल टू जीरो, या यू इक्वल टू फाइव ही लिखाएगा, वी इक्वल टू फाई ऑफ यू लिखाएगा। कई बार इसको हम चाहे तो एफ ऑफ यू वी की फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं। ओके, तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सपी प्लस वाई क्यू इक्वल टू जेड। अब देखिए, जो पी के साथ जो मल्टीप्लाई है वो कैपिटल पी है, जो क्यू के साथ मल्टीप्लाई है वो कैपिटल क्यू है, और जो आपके पास इक्वल टू में है वो आपके पास कैपिटल आर है। तो आपने यहां पर लैग्रांज की ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी है, दिस इज अ dx अपॉन x प्लस डी इक्वल टू dy अपॉन y और dz अपॉन 3z। अब हम क्या करेंगे कि इन तीन रेशो की हेल्प से हम यहां पर दो इंडिपेंडेंट रिलेशंस निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर हमने यहां पर पहला और सेकंड अगर रेशो यहां पर कंसीडर कर लिया, टेकिंग फर्स्ट टू रेशो dx अपॉन x और dy अपॉन y, अब हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पे हम साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास टर्म जो है वेरिएबल सेपरेटर फॉर्म में हमको मिल रही है, तो यहाँ पर इसको हम सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं। तो dx अपॉन x का इंटीग्रल होगा log x, dy अपॉन y का इंटीग्रल होगा log y, देन उसके बाद हमने कॉन्स्टेंट ले लिया log c1, तो log m प्लस log n का रूल अप्लाई करेंगे तो log y into c1 मिलेगा। log से log हमारा कैंसिलेशन में आएगा तो x इक्वल टू y c1, यानी कि आपको पहला रिलेशन मिल गया x अपॉन y इक्वल टू सी वन। ओके, अब आप देखिए, अब यहां पर हम चाहें तो हम यहां पर सेकेंड और थर्ड भी ले सकते हैं, हम चाहें तो फर्स्ट टू थर्ड भी ले सकते हैं। ये आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रिलेशन आसानी से लेने से आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड भी है, सेकेंड और थर्ड भी, जो भी आपकी इच्छा हो आप ले सकते हैं। तो हमने यहां पर क्या लिया हुआ, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट रेशो dx upon x equal to dz upon 3z, 3 को हमने cross multiply कर दिया, तो 3 dx upon x dz upon z होगा। अब हमने यहाँ पर इसको integrate किया, तो integrate on both side करेंगे, तो 3 dx upon x का integral होगा 3 log x, then dz upon z का होगा log z plus log c2, यहाँ पर मैं फिर से multiply का rule लगाया, तो यहाँ पर log z into c2 मिला, log से log हमारा cancel हुआ, तो आपको x cube equal to z c2 हो गया, तो आपके पास फाइनली आंसर मिला x cube upon z equal to c2, ये आपका सेकंड इंडिपेंडेंट रिलेशन आ गया। ध्यान ही रखिएगा, जब एक रिलेशन आप निकाल रहे हो या सेकंड रिलेशन निकाल रहे हो, तो एक रिलेशन में कोई दूसरे रिलेशन का यूज अगर आप करते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। लेकिन जब सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं तो सेकंड रिलेशन में जब फर्स्ट रिलेशन का यूज करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे पहले रिलेशन के अंदर हमने कॉन्स्टेंट यूज किया हुआ, उस कॉन्स्टेंट को हमें सेकेंड रिलेशन से रिमूव करना होता है, उसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। तो यहां पर हमने दो इंडिपेंडेंट रिलेशन निकाल ली है, तो हमने इन c1 और c2 को यहां पर रख दिया phi of xy, x cube upon z, क्योंकि हम जो इन अपना जनरल सॉल्यूशन जो लिख रहे थे वो हमारे पास क्या था, phi of u v equal to 0, यहां पर u equal to हमारे पास था c1 और v equal to था c2। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको यहां पर थर्ड क्वेश्चन बताता हूं। तो सेकंड क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, यूज लैग्रांज मेथड सॉल्व द इक्वेशन yz into p plus zx into q equal to xy। तो ऑब्वियसली अगर मैं p के कोफिशिएंट की बात करूंगा तो yz कहलाएगा, तो यहां पर हमारे पास हो गया कैपिटल p equal to yz और कैपिटल q equal to zx और equal to में हमारे पास हो गया xy।
हमने यहाँ पर लैग्रांज की ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी डी एक्स अपॉन वाई जेड डी वाई अपॉन जेड एक्स और डी जेड अपॉन एक्स वाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन तीन रेशो में से किसी दो टू रेशोज को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। अगर हम पहले दो रेशो को अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जेड से जेड हमारा कैंसिल में हो रहा है और टर्म्स हमारे पास वेरिएबल सेपरेटर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि एक्स के साथ डी एक्स मतलब डी एक्स के साथ एक्स चले गया और डी वाई के साथ वाई चलेगा। हमने इस टर्म को यहाँ पर इंटीग्रेट किया तो आपको एक्स का इंटीग्रल मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी वन, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू ऑफ सी वन। दिस इज योर फर्स्ट रिलेशन जिसको हमने बोला हुआ है यू इक्वल टू सी वन। ओके, टेकिंग लास्ट टू रेशो, अब हम यहाँ पर इसके लास्ट टू रेशो कंसिडर करते हैं। तो अगर हम लास्ट टू रेशो लेते हैं तो आप देखेंगे डी वाई अपॉन जेड एक्स और डी जेड अपॉन एक्स वाई मिलेगा, आपका x से x आपका यहाँ पर कैंसिलेशन में आ रहा है। अगर यहाँ पर वेरिएबल सेपरेटर फॉर्म आपकी अप्लाई हो रही है तो आपने डी वाई के साथ y को अरेंज कर दिया और डी जेड के साथ z को अरेंज कर दिया। अगेन आपने यहाँ पर इसको इंटीग्रेट किया तो आपको y का इंटीग्रल मिलेगा y स्क्वायर अपॉन टू, z का इंटीग्रल मिलेगा z स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी टू, देन फाइनली आपको सेकेंड इंडिपेंडेंट रिलेशन मिल गया वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू सी टू। तो फाइनली ये हमारा कहलाएगा दिस इज अ v इक्वल टू सी टू। तो आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया इक्वेशन नंबर वन का, दिस इज अ फाइ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू कॉमा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू जीरो। नाउ दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन में दिक्कत आता है आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व की जाएगी। ओके, अब यहां पर हम यहां पर इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन को भी आप यहां समझ लें कि थर्ड क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाई क्यूब माइनस एक्स पी इक्वल टू जेड। अब देखिए इस क्वेश्चन की खासियत बात यह है कि यहां पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि एक्चुअली आपको जो इक्वेशन दे रखी है वो हमें दे रखी है दिस इज एक्स पी माइनस एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू जेड। नाउ दिस इज अ लेग्रांजे इक्वेशन। तो अब यहाँ पर जो माइनस एक्स जो है वो आपका कैपिटल पी है और वाई के साथ क्यू के साथ जो मल्टीप्लाई में आ रहा है वो आपके पास कैपिटल क्यू है और जो इक्वल टू में आ रहा है वो आपके पास कैपिटल आर है। तो आपके पास जो लेग्रांजे की ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो हमारी कहलाएगी डी एक्स अपॉन माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई और डी जेड अपॉन जेड। अब यहाँ पर फर्स्ट टू रेशो यहाँ पर कंसिडर करते हैं, टेकिंग फर्स्ट टू रेशो डी एक्स अपॉन माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई और इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो आपको मिलेगा डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, इस माइनस वाई को अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट इसके साथ कर दूं तो आपको मिलेगा लॉग एक्स इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस लॉग सी वन। तो आपके पास होगा लॉग एक्स इक्वल टू लॉग सी वन अपॉन वाई, क्योंकि हम जानते हैं कि लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला, लॉग एम माइनस लॉग एम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जैसे लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू हम लिखते हैं लॉग एम अपॉन एन। तो आपके पास एम बन गया सी वन और एन बन गया माइनस वाई, लॉग से लॉग हमारा कैंसिल हो गया तो एक्स एक्स इक्वल टू सी वन अपॉन वाई हो गया, दैट मीन्स आपके पास फर्स्ट इंडिपेंडेंट रिलेशन आ गया एक्स इंटू वाई इक्वल टू सी वन। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम फर्स्ट और थर्ड को ले सकते हो, सेकेंड और थर्ड को भी ले सकते हो, तो हमने यहाँ पर सेकेंड और थर्ड रेशो को यहाँ पर कंसिडर कर लिया। तो जैसे डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। अब हम डी वाई अपॉन वाई को अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं तो डी वाई अपॉन वाई को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, दिस इज अ लॉग वाई इक्वल टू लॉग जेड प्लस लॉग सी टू, लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला अगेन हमने अप्लाई किया तो लॉग जेड इंटू सी टू, दैट मीन्स वाई इक्वल टू जेड सी टू, दैट मीन्स वाई अपॉन जेड इक्वल टू सी टू। दैट मीन्स ये आपके पास सेकेंड इंडिपेंडेंट रिलेशन मिल गया जिसको हमने वी इक्वल टू सी टू कहा है। तो फाइनली आपका आंसर हो गया फाई ऑफ यू कॉमा वी, यानी कि एक्स वाई कॉमा वाई अपॉन जेड इक्वल टू जीरो। तो पहले चार क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि यदि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, यानी कि हम वेरिएबल सेपरेटर फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड के मतलब क्या है वो समझ लीजिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड से मतलब हम क्या करना चाहते हैं, आप देखेंगे कि जब हमारे पास जो रेशो हमें दिए होते हैं उन रेशो में से हमारे पास एक रेशो की हेल्प से हम एक रिलेशन तो बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन जब हम सेकेंड रिलेशन के निकालने की अगर हम बात करते हैं वहाँ पे सेकेंड रिलेशन हमें निकल नहीं पाता है।
लेकिन अगर हम सेकेंड रिलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, अगर हम फर्स्ट रिलेशन का अगर हम यूज करते हैं, फर्स्ट रिलेशन का अगर हम यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रिलेशन का अगर हम यूज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में इस मेथड को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से जानते हैं। आइए समझिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हम इसमें सॉल्व करेंगे। यूज अ लैग्रांज मेथड सॉल्व द इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, ऐसा मेथड क्वेश्चन में लिखा कभी भी नहीं आएगा कि हम किस प्रकार, किसमें हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है x into z t plus y z into q equal to xy, तो यहां पर हमारे पास ये हो गया कैपिटल P, ये हो गया कैपिटल Q और ये हो गया कैपिटल R। तो हमने कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यू को हमने यहां पर लिख लिया। अब इसके हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, तो लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन dx अपॉन xz, dy अपॉन yz और dz अपॉन xy। अब देखिए, अगर यहां पे अगर मैं फर्स्ट टू रिलेशन, अगर फर्स्ट टू रेशियो अगर मैं ले लेता हूं, तो यहां पर z से z मेरा कैंसिल हो रहा है, तो x के साथ x और y के साथ y हमारा अरेंज हो रहा है, तो यहां पर हमारा पहला रिलेशन बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो हमने यहां पर क्या किया, टेकिंग फर्स्ट टू रेशियो, तो यहां पर हमने फर्स्ट टू रेशियो यहां पर हमने कंसिडर किया, तो यहां पर हमने फर्स्ट टू रेशियो यहां पर हमने कंसिडर किया, तो आपके पास क्या होगा, दिस इज dx अपॉन xz, dy अपॉन yz, तो हमने z को z से कैंसिल किया, तो आपके पास dx अपॉन x और dy अपॉन y आ गया। अगर आपने इसको इंटीग्रेट किया तो आपको मिल गया log x equal to log y plus log c1, that means log m, अब यहां पर log y plus log c1 को यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज अ log y into c1, ओके, log से log हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास मिलेगा x upon y equal to c1। तो ये आपको पहला रिलेशन बड़ी आसानी से मिल गया। अब देखिए कि अगर मैं यहां पर लास्ट टू रेशियो अगर मैं कंसिडर करूं, तो यहां पर आप देखेंगे कि मेरे पास y से y कैंसिल हो रहा है, तो मैं यहां पर dy के अपॉन में z और dz के अपॉन में x हो रहा है, यानी कि यहां पर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं ले पा रही है। ट्राई करते हैं फर्स्ट और लास्ट के साथ, अगर फर्स्ट और लास्ट के साथ देते हैं तो x से x कैंसिल हो रहा है, तो dx के अपॉन में z और dz के अपॉन में y आ रहा है, यानी यहां पर भी हमारे पास टर्म जो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं आ पा रही है। तो अब या तो हम यहां पर फर्स्ट टू थर्ड ले लें या सेकंड टू थर्ड ले लें, जो भी आपकी आसानी हो। तो यहां पर हमने कंसिडर किया कि यहां पर हम यहां पर लास्ट टू रेशियो यहां पर ले रहे हैं, दैट मींस द सेकंड और थर्ड। तो आप देखेंगे कि यहां पर आपके पास y से y आपका यहां पर कैंसिल हो रहा है, और आपके पास dy के अपॉन में z और dx के अपॉन में z आ रहा है। आपने यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां पर मैं x into dy को यहां पर इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो हमने फर्स्ट रिलेशन जो निकाला हुआ है x अपॉन y इक्वल टू c1, तो x अपॉन y इक्वल टू c1 से मैं यहां पर x इक्वल टू y c1 ले सकता हूं, और इस x इक्वल टू y c1 को यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं। तो जैसे ही मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो आप देखेंगे कि यहां पर हमारे पास जो हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्जन हो गया। तो आपने इसमें क्या देखा कि पहले रिलेशन को हम सेकेंड रिलेशन के अंदर यूज कर रहे हैं। तो y c1 को हम यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो y स्क्वायर अपॉन 2 c1 इक्वल टू z स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c2 मिलेगा। लेकिन अभी ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट रिलेशन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस सेकंड रिलेशन में हमारा c1 यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर c1 की वैल्यू को हम वापस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो c1 आपको मिलेगा x अपॉन y, तो इस y से y हमारा कैंसिल हो गया, तो x अपॉन y x इंटू y अपॉन 2 मिलेगा, माइनस z स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c2 मिलेगा। Now this is your second relation. अब यहाँ पर second independent relation क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे मैं आपको बार बार एक ही चीज को यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी हम रिलेशन निकाल रहे हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि एक रिलेशन का दूसरे रिलेशन में कोई यूज नहीं होना चाहिए, दूसरे रिलेशन का पहले रिलेशन में कोई यूज नहीं चाहिए। अगर यूज कर भी रहे तो वहां पर उसको कॉन्स्टेंट की हेल्प से वहां से रिमूव कर दीजिए। तो आपका फाइनल आंसर मिल गया, दिस इज x अपॉन y, एक्स वाई अपॉन टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू जीरो। आइए नेक्स्ट देखें हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, सॉल्व द इक्वेशन z इंटू पी वाई इंटू क्यू इक्वल टू एक्स। अब देखेंगे कि p के साथ जो मल्टीप्लाई है वो कैपिटल p है, q के साथ मल्टीप्लाई है वो कैपिटल q है, और जो इक्वल टू में है वो r है। तो आपके पास हो गया dx अपॉन z, dy अपॉन y और dz अपॉन x। अब देखिए, अगर यहां पर मैं पहला और सेकेंड रिलेशन लेता हूं, तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं मिल रही है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट और थर्ड रेशियो को अगर कंसीडर कर लेता हूं, तो यहां पर आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिल जाएगी। तो हम यहां पर क्या करते हैं कि यहां पर फर्स्ट और थर्ड रेशियो को यहां पर कंसीडर करते हैं।
तो dx के फॉर्म में z और dz के फॉर्म में x किया, यहां पर हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आपका वेरिएबल सेपरेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट x स्क्वायर अपॉन 2 z स्क्वायर अपॉन 2 + c1 स्क्वायर अपॉन 2। यहां पर स्क्वायर लेने का पर्पस यहां पर ये है कि यहां पर दोनों टर्म स्क्वायर में हो रही हो, यहां पर हमें आगे चल के सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना पड़ेगा तो हमें यहां पर स्क्वायर लेने में ज्यादा आसानी होगी। तो पहला रिलेशन मिल गया x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इक्वल टू c1 स्क्वायर। अब देखिए हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहां पर पहला थर्ड तो ले लिया था, अब मैं यहां पर सेकंड थर्ड नहीं ले सकता हूं। सेकंड अगर थर्ड लिया तो यहां पर हमारे पास वेरिएबल सिंपल फॉर्म नहीं मिल रही है, और फर्स्ट सेकंड लेंगे तो भी वेरिएबल सिंपल फॉर्म नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब यह होगा कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें यहां पर मूव करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने सेकंड और थर्ड रिलेशन को रेशियो कंसिडर किया तो dy / y इक्वल टू dz / x हो गया। ओके, अब dy / y हो गया, dz / x है, लेकिन अभी आपने देखा कि जो हमारे पास सेकंड रिलेशन आया था वो आया था x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इक्वल टू c1 स्क्वायर। तो अगर मैं यहां से x स्क्वायर की वैल्यू को अगर यहां पर निकालता हूं तो x स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर + c1 स्क्वायर मिलेगा। दैट मींस x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी दिस इज अ z स्क्वायर + c1 स्क्वायर। इट मींस इसका मतलब ये होगा कि अब यहां पर मैं इस x की वैल्यू को सेपरेट पुट अप कर देता हूं तो यहां पर देखेंगे कि y के साथ y और z के साथ z भी आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज अ वेरिएबल सेपरेट फॉर्म में हमारे पास कन्वर्जन हो गया। तो 1 / y का इंटीग्रल होगा log y, और 1 / z स्क्वायर अंडर रूट z स्क्वायर + c1 स्क्वायर का होगा log z + अंडर रूट z स्क्वायर + c1 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो इंटीग्रल होता है दिस इज अ इंटीग्रल dx / x स्क्वायर + a स्क्वायर का जो स्टैंडर्ड रूल हमारे पास जो होता है वो हमारा कहलाता है दिस इज अ log x + अंडर रूट x स्क्वायर + a स्क्वायर। ओके, गॉट इट। तो अब यहां पर हमने इसको लिखा तो यहां पर log into log m into n का रूल लगाया तो log से log कैंसिल हो गया तो आपको मिल गया c2z + अंडर रूट z स्क्वायर + c1 स्क्वायर। इसको हमने डिवाइड में डाला तो y / z + अंडर रूट z स्क्वायर + c1 स्क्वायर। अब z स्क्वायर + c1 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है? x है, तो यहां पर हमने x रख दिया और इक्वल टू c2। तो ये हमारे पास सेकंड रिलेशन हमने बड़ी आसानी से निकाल लिया जिसमें हमारे पास c1 यूज नहीं हो रहा है। तो आपका फाइनल आंसर हो गया phi of x square minus z square comma y / z + x equal to 0। आइए एक क्वेश्चन में आपको और बताता हूं कि कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर रहे हैं। यहां पे मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको इतने क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करा दूं कि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में आपको ज्यादा आसानी हो। तो यहां पर आप देखेंगे दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड x square p plus y square q equal to n of x y। तो यहाँ पर आपके पास x square हो गया capital P, y square हो गया capital Q और z nx y हो गया capital R। तो आपके पास auxiliary equation होगी, आपके पास auxiliary equation होगी dx / x square dy / y square equal to dz / nx y। जस्ट मिनट, तो dx / x स्क्वायर dy / y स्क्वायर dz / n ऑफ x y। तो यहां पर आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई दिस इज द dx / x स्क्वायर dy / y स्क्वायर को हमने यहां पे फर्स्ट टू रेशियो को यहां पर हमने कंसीडर किया। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट -1 / x -1 / y + c1। That means 1 / y minus 1 / x equal to c1। तो आपके पास पहला रिलेशन बड़ी आसानी से आपने यहां पर इवेल्युएट कर लिया। नाउ टेकिंग लास्ट टू रेशियो टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो dx / x स्क्वायर इक्वल टू dz / nx y। तो यहां पर dx / x स्क्वायर को हमने यहां पर इस x से x हमारा कैंसिल हो गया तो dx / x और dz / ny हो गया। अब देखिए जो आपने पहला रिलेशन जो निकाला हुआ, अगर मैं यहां से y 1 / y की वैल्यू निकालूं तो 1 / y इक्वल टू कितना मिलेगा दिस c1 + 1 / x। ओके, 1 / y इक्वल टू c1 + 1 / x, दैट मींस dx / x 1 / x c1 + 1 / x dz। ओके, अब यहां पर इसको हम वेरिएबल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहां पर पहले हमने यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया n का और x से x कैंसिल हो गया तो n dx equal to c1 x plus y1 equal to into dz। इस टर्म को हमने यहां पर डिवाइड कर दिया तो n / c1 x plus 1 dx equal to dz हो गया, यानी कि दिस इज अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट
अब हमें यहाँ पर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग एक्स होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया दिस इज अ लॉग सी वन एक्स प्लस वन, लेकिन एक्स का जो कोफिशियंट है वो सी वन है, तो वो हमने यहाँ पर सी वन का डिवाइड कर दिया इक्वल टू जेड प्लस सी टू। अब सी वन की वैल्यू को हमें यहाँ पर वापस सब्स्टिट्यूट करना, तो सी वन की वैल्यू आपके पास क्या होगी, दिस इज सी वन इक्वल टू 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स, तो आपने इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया तो 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स, आपने यहाँ पर एलसीएम निकाला तो x माइनस वाई इंटू में एक्स वाई चले जाएगा, तो दिस इज दिस, और यहाँ पर भी अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर होगा x माइनस वाई अपॉन ऑफ एक्स वाई, एक्स से x कैंसिल होगा, तो log x अपॉन y माइनस दिस, इस प्रकार से हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा ओके, और आपका फिर यहाँ पर x से x भी कैंसिल में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें इस टर्म को अगर हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करें तो हमें कितना मिला, दिस इज एक्स माइनस वाई अपॉन ऑफ एक्स वाई इंटू में मेरे पास x है तो x से x कैंसिल हो गया प्लस 1 था, तो यहां पर मैंने एलसीएम निकाला तो दिस इज x माइनस वाई प्लस y अपॉन ऑफ x हो गया, तो आपके पास क्या मिलेगा, दिस इज हाँ y हो गया अपॉन में y, दिस इज दैट मीन y से y हमारा कैंसिल होगा तो x अपॉन y, दैट मीन आपके पास सेकेंड रिलेशन मिल गया एन एक्स वाई अपॉन ऑफ x माइनस y log x अपॉन y माइनस z इक्वल टू c2। That means the required general solution is phi of 1 upon y minus 1 upon x comma nx y upon of x minus y log of x upon y। आइए अब मैं आपको यहाँ पर थर्ड मेथड बताने जा रहा हूँ, this is called the multiplier method। Multiplier method किसे कहते हैं? Multiplier method का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप किसी भी values को यहाँ पर आप multiply करेंगे रेशो के अंदर, जैसे कि अगर आपको याद होगा आपने 10th standard पे आपने कुछ ऐसे result पढ़ोगे कि a upon b equal to c c अपॉन डी, और देर उसके बाद आपने प्रूव कराया था कि 2a प्लस 2c अपॉन 3b प्लस 3d इक्वल टू a अपॉन b, है ना, या आपने प्रूफ क्या हुआ है 2a प्लस 3c अपॉन 2b प्लस 3d इक्वल टू a अपॉन b। तो आप यहाँ पर हमने क्या करा है कि हमने यहाँ पर आपसे बोला कि भाई हमने टेकिंग द मल्टीप्लाई 2 3, तो अगर मैं इस चीज से अगर ये यूज करना चाहता हूँ मैं क्या बोलूंगा टेकिंग द मल्टीप्लाई 2 3, तो इसका मतलब ये है कि हम इसके न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वाले के अंदर 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फिर हम ऐड करके लिख देंगे, तो जो भी हमारा नया रिलेशन आएगा वो पहले दो रिलेशन के रेशो के इक्वल होगा, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई का लॉजिक कहलाता है। तो मल्टीप्लाई यूज करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो आपका डिनोमिनेटर जीरो बन जाए या डिनोमिनेटर इसकी स्थिति बन जाए कि जिसकी को हम इंटीग्रेट कर सकते हो। तो देखिए सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस y स्क्वायर p x y प्लस जेड एक्स इंटू क्यू इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स जेड। यहां पर हमने p मिला हमें जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस y स्क्वायर, q आपको मिला एक्स वाई प्लस जेड एक्स और r मिला एक्स वाई माइनस एक्स जेड। आपने यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी डी एक्स अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस y स्क्वायर डी वाई अपॉन एक्स वाई प्लस जेड एक्स और dz अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स जेड। अब हमने बोला कि भाई हम यहाँ पर हम मल्टीप्लाई यूज करना चाहते हैं x y और z का, इसका मतलब ये हुआ कि हम x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, y का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और z का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इन x y z के अंदर प्लस साइन कंसिडर, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास x dx y dy और z dz हो जाएगा और डिनोमिनेटर में होगा x इंटू जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस y स्क्वायर प्लस y इंटू एक्स वाई प्लस जेड एक्स और z प्लस z इंटू एक्स वाई माइनस एक्स जेड, इस प्रकार से। अब अगर मैं इन सब ब्रैकेट को अगर मैं यहाँ पर एक्सपांड यानी कि ओपन कर देता हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास कुछ इस प्रकार से टर्म मिलेंगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स वाई जेड 2xyz से कैंसिल हो जाएगा, एक्स जेड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास मिला x dx plus y dy plus z dz upon of 0, यानी कि आपका इंटीगल जो मैं डिनोमिनेटर में टर्म जो आगे 0। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर a upon b equal to c upon 0 है तो इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि आपके पास c की वैल्यू जो होगी 0, यानी कि जो हमें यहाँ पर वैल्यू अपॉन में 0 मिली इस रेशो को अगर मैं किसी के भी इक्वल रखता हूँ तो डेफिनेटली ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके आपको x dx plus y dy plus z dz equal to 0 मिलेगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, therefore x dx plus y dy plus z dz equal to 0, integrate on both side, that means x square upon 2, x का y का integral y square upon 2, z का integral z square upon 2 equal to c1. Taking last two ratio, we get dy upon xy
प्लस जेड एक्स और dz अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स जेड, इस टर्म को थोड़ा सा हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या, दिस इज अ डी वाई अपॉन, कॉमन कितना निकल रहा है यहाँ पर, दिस इज योर x, तो अंदर मिल रहा है दिस इज अ वाई प्लस जेड, इक्वल टू मिल रहा है आपको दिस इज अ डी जेड अपॉन, यहाँ से भी x कॉमन निकल रहा है यानी कि दिस इज अ वाई माइनस जेड, तो x से x आपका कैंसिल हो गया। अब आप क्या करेंगे, डी वाई के साथ y माइनस जेड का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कितना मिलेगा, y डी वाई माइनस जेड डी वाई, और y प्लस जेड के साथ डी जेड का मल्टीप्लाई करेंगे तो y डी जेड प्लस जेड डी जेड। अब देखेंगे y डी वाई को तो हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं लेकिन y जेड डी वाई को नहीं कर सकते, इसी बार जेड डी जेड को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हमने इस टर्म को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया और इस टर्म को यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिया, तो y डी वाई माइनस जेड डी जेड इक्वल टू हो गया इतना। अब ये जो दोनों टर्म जो हमारे पास है, इस पूरी दोनों टर्म को लिख सकते हैं डी वाई इंटू जेड, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो आपको यही टर्म यहां पर मिलेगी। अब y का इंटीग्रल कितना हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन टू, z का इंटीग्रल हो गया जेड स्क्वायर अपॉन टू, डी वाई जेड का हो गया वाई जेड प्लस सी टू, वाई जेड को मैंने वहां शिफ्ट किया तो आपके पास हो गया दिस इज द सेकंड रिलेशन, दैट मीन्स फाइनली आंसर हमारे पास हो गया फाइव एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस जेड स्क्वायर अपॉन टू कॉमा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन टू माइनस ऑफ वाई जेड। Now this is your second relation. अब आइए एक क्वेश्चन और समझते, इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर अगर जीरो नहीं बनना है तो उस डिनोमिनेटर को जीरो नहीं बनने की कंडीशन उसको किस प्रकार से हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो गिवन द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू पी टू एक्स वाई इंटू क्यू टू एक्स जेड, आपके पास p हो गया x square minus y square minus z square, q हो गया 2xy और z हो गया आपको r हो गया आपके पास 2xz, आपने auxiliary equation लिखी dx upon x square minus y square minus z square dy upon 2xy और dz upon 2xz, आपने फिर से यहाँ पर multiply use किए x y और z। अब हम यहाँ पर xy z को अगर हम use करते हैं आप देखेंगे कि यहाँ पर x भी कॉमन निकल रहा है, यहाँ से भी x कॉमन निकल रहा है और यहाँ से भी x कॉमन निकल रहा है, तो हमने x निकाल लिया, तो y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर टू y स्क्वायर यानी कि प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, z माइनस z स्क्वायर प्लस टू z स्क्वायर यानी कि z स्क्वायर आएगा। अब प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि इसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास इसमें डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं बन रहा, तो हम क्या करते हैं इस रेशियो को किसी भी सेकेंड या थर्ड रेशियो के साथ ले लेते हैं क्योंकि इसमें x इन्वॉल्व है, तो हमने टेकिंग लिया टेकिंग द रेशियो x dx plus y dz y dy plus z dz upon of x square x into x square plus y square plus z square and dz upon 2x, इस x से आपका x कैंसिल हो गया, इस 2 का आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x dx plus 2y dy plus 2z dz upon x square plus y square z square, दैट मीन dz upon of z। अब आप देखेंगे कि मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूं, इस चीज को थोड़ा ध्यान समझिएगा, अगर मैं इस टर्म को अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं जैसे 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो हम इसको इंटीग्रेट कैसे कर रहे हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर जो है वो t है, आपने यहाँ पर x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो आपको मिलेगा 2x dx, y स्क्वायर को करा था 2y dy और z स्क्वायर को करा था 2z dz इक्वल टू dt मिल जाएगा। ओके तो इसका मतलब ये निकला कि आपके पास dt अपॉन t मिलेगा और dt अपॉन t का मतलब होता है log t और t आपके पास वापस आपके पास t कितना हो जाएगा, दिस इज द x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो यहाँ पर हम ये इंटीग्रल इस प्रकार से निकाल सकते हैं dz अपॉन z का होगा log z प्लस log c1, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर log m into n का रूल लगाया, यहाँ पर इसको डिवाइड में कर दिया तो आपके पास पहला रिलेशन आपके पास मिल गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन ऑफ z इक्वल टू c1। अब हम यहाँ पर लास्ट टू रेशो कंसिडर कर लेते हैं, आप देखेंगे लास्ट टू रेशो कंसिडर करने पर 2x से 2x कैंसिल हो गया है तो आपका वेरिएबल सेपरेट फॉर्म अप्लाई हो रहा है यानी कि dy अपॉन y और dz अपॉन z मिल रहा है, आपने इसको आसानी से इंटीग्रेट किया तो dy अपॉन y का हो गया log y, dz अपॉन z का हो गया log z प्लस log c2, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा log y अपॉन z इक्वल टू log c2, दैट मीन्स आपके पास सेकंड रिलेशन हो गया y अपॉन z इक्वल टू c2। तो फाइनली आपके पास जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा phi of x square plus y square plus z square upon z, comma yz equal to 0. Now this is your required general solution. आइए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, इसको भी हम यहां पर मल्टीप्लाई मेथड से सिंपलीफाई करेंगे, तो देखिए किस प्रकार से।
तो पहले आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी एक्स वाई माइनस जेड प्लस जेड इंटू पी वाई जेड माइनस एक्स क्यू और जेड जेड एक्स माइनस वाई, तो लैग्रेंज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर। अब इसके हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, दिस इज डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू डी जेड अपॉन आर। ओके, तो यहां पर हमारे पास हो गया डी एक्स अपॉन एक्स वाई माइनस जेड डी वाई अपॉन वाई जेड माइनस एक्स और डी जेड जेड इंटू एक्स माइनस वाई। आप देखो कि अगर मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर इस x का मल्टीप्लाई करता हूँ फर्स्ट टर्म में, y का मल्टीप्लाई करता हूँ सेकंड टर्म में, और z का मल्टीप्लाई कर देता हूँ थर्ड टर्म में, और डिनोमिनेटर के तीनों टर्म को अगर हम ऐड करें तो आप देखेंगे हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म जीरो बन रही है। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हम क्या यूज करें, तो हमको यहाँ पर ऐड करना, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई यूज किया वन वन और वन। इसका मतलब ये निकला कि हमें वन डी एक्स प्लस वन डी वाई प्लस वन डी जेड किया, तो उसके कारण क्या हुआ कि डिनोमिनेटर की हमारे पास सारी वैल्यू कैंसिलेशन फॉर्म में आ गई, तो आपके पास डिनोमिनेटर में मिला जीरो, और जब भी डिनोमिनेटर में जीरो मिलता है तो हम उसे ले सकते हैं डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू जीरो। तो इसको हमने बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर दिया, तो आपको मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी वन। अब देखिए पहला रिलेशन तो मिल गया, अब सेकेंड रिलेशन में आप ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर इस वन अपॉन एक्स को यहाँ से हटा दू, इसे वन अपॉन वाई को यहाँ से हटा दू, वन अपॉन जेड को अगर यहाँ से हटा दू, और फिर मैं इन सबको ऐड कर दू, फिर से डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई यूज करेंगे वन अपॉन एक्स वन अपॉन वाई और वन अपॉन जेड। इससे बेनिफिट ये होगा कि डिनोमिनेटर से एक्स हट जाएगा, डिनोमिनेटर से वाई हट जाएगा और डिनोमिनेटर से जेड हट जाएगा। तो आइए यूज करें, अगेन यूजिंग द मल्टीप्लाई वन अपॉन एक्स वन अपॉन वाई वन अपॉन जेड रिस्पेक्टिवली, दैट मीन्स डी एक्स अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी वाई और डी जेड अपॉन जेड, दैट मीन्स फिर से हमारा डिनोमिनेटर टर्म हमारे पास कैंसिलेशन फॉर्म में हमें मिल रहा है। तो आपके पास मिल गया डी एक्स अपॉन एक्स डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू जीरो। इस टर्म को हमने यहाँ पर इंटीग्रेट किया, तो लॉग एक्स लॉग वाई प्लस लॉग जेड इक्वल टू लॉग सी टू, यानी कि लॉग एक्स वाई जेड इक्वल टू लॉग सी टू, यानी कि एक्स वाई जेड इक्वल टू सी टू, यानी कि आपको यहाँ पर सेकेंड इंडिपेंडेंट रिलेशन यहाँ पर आपको मिल गया। तो फाइनली आपका आंसर हो गया फाइव ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपको बोलना कि नाइन क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व कराया हुआ है, यहाँ पर मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी आपको दिए हुए हैं, इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम को यहाँ पर आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, और यदि किसी प्रकार का यदि अगर आपको कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा, और लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आप लाइक करना ना भूलिएगा, साथ में कमेंट्स करना ना भूलिएगा, और अगर आप मुझसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं मैथ्स फॉर यू, जिसकी इनविटेशन लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, साथ में हमने मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, थैंक यू सो मच।